गल करते हैं गुआंढी सूबे हरियाणा की, जिथे लोग सभा दी 10 सीटां ने। 2019 दे विच हरियाणा विच क्लीन स्वीपर रही बीजेपी इस बार चोणां जितण दे लई इत्थे रणनीति खेडदी नजर आई। चोणां तों ठीक पहलां बीजेपी ने हरियाणा दे विच अपना सीएम चेहरा ही बदल दिता। हुण इह रणनीति बीजेपी दे लई फायदेमंद होवेगी जां नहीं, इह 4 जून दे नतीजे दसणगे। लेकिन एग्जिट पोल्स दे नतीजे कुछ होर ही बयान कर रहे ने। एग्जिट पोल्स मुताबक हरियाणा दे विच एनडीए नू इंडिया गठजोड़ तिखी टक्कर दे रहा है। जी हाँ, एग्जिट पोल्स दे मुताबक हरियाणा दे विच एनडीए ते इंडिया विचकार बराबरी दा मुकाबला है। पोल्स मुताबक एनडीए नू हरियाणा दे विच 4-6 ते इंडिया गठजोड़ नू भी 4-6 सीटां मिलदियां नज़र आ रही ने। क्लीन स्वीपर बीजेपी हरियाणा दे विच, उसनू ये चुनौती क्यों देखनी पै रही है? एक किसानी अंदोलन का असर है या फिर कोई होर वजह है? थोड़े हर सवाल का जवाब साढ़े सीनियर जर्नलिस्ट की इस चर्चा विच। फिलहाल आपको पहले वोट शेयर दिखाते हैं। हरियाणा का वोट शेयर 2019 में 30 पॉइंट्स का फासला था वोट शेयर के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 58% के आसपास बीजेपी और 28% के आसपास कांग्रेस। इस बार क्या है अनुमान आपके सामने? एनडीए 43% और इंडिया 45%। ये तो तस्वीर पलट गई है वोट शेयर के लिहाज से। हरियाणा की तस्वीर पलटी वोट शेयर के लिहाज से। हरियाणा में इंडिया गठबंधन बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। और सीटों के मामले में देखिए किस तरीके से 10 लोकसभा सीटें और मामला टाई पर आ गया है। हरियाणा में 10 सीटों में से 4-6 आप देख रहे हैं बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, 4-6 आप देख रहे हैं कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और कुल मिलाकर तस्वीर बड़ी दिलचस्प। इंडिया गठबंधन हरियाणा, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में है। रोहित, बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए 43% और इंडिया यानी कांग्रेस 45% वोट मिलता हुआ दिख रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और सीटों के लिहाज से 4-6 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। और अगर इंडिया की बात करें, यूं कहूं कांग्रेस की बात करें, तो 4-6 सीटें मिलती हुई इंडिया को दिख रही है। और अन्य के खाते में अगर वोट शेयर की बात करें तो 12% वोट शेयर अन्य के पास भी जाता हुआ दिख रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन सवाल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, वोट प्रतिशत के लिहाज से एनडीए पीछे है 2% से, और इंडिया यानी मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है तो इंडिया अलायंस वहां पर 45%। यशवंत जी, ये आंकड़ा क्या कह रहा है? वोट प्रतिशत को अगर हम देखें तो कांग्रेस ज्यादा वोट प्रतिशत में 45% पर और एनडीए 43% पर, लेकिन जब सीट में तब्दील होता है तो 4-6 एनडीए, 4-6 इंडिया। आखिरकार ये क्या है? जरा मैं चाहूंगा कि तीन साधारण भाषा में जरूर बताइए। बहुत साधारण भाषा में बता रहे हैं, जो बीजेपी की अर्बन जो उनकी तीन स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं वो लंबे मार्जिन से वो जीतने की हैसियत में है, इसलिए उनका वोट शेयर उतना जा रहा है। अदरवाइज हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जो 4-6 दिखा रहे हैं सीट, उसमें दरअसल दोनों ही पक्षों की तीन तीन गारंटीड हैं और 4 सीटें जो हैं वो क्लिफहैंगर की तरह हैं। और वो क्लिफहैंगर सीटें हो सकता है कि वो पूरी तरह कांग्रेस में भी चली जाएं, हो सकता है 2-2 स्प्लिट होकर के वैसे 5-5 का स्कोर भी आ जाए, ये भी संभावना है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हरियाणा में इन आंकड़ों से दिख रहे हैं। यानी जो 1-6 महीने के अंदर ही जिस तरह के असेंबली इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं होने वाले हैं हरियाणा में, अगर यहां से कांग्रेस इसको बिल्डअप करके ले जाती है तो कांग्रेस के लिए वापसी का रास्ता हरियाणा में विधानसभा चुनाव में खुल सकता है। अभय दुबे साहब, क्या कहेंगे? हरियाणा में कई तरह के प्रयोग हुए चुनाव से पहले अगर बात करें, और दूसरी तरफ हरियाणा में हमेशा हर चुनाव से पहले 14 के बाद से जो भी चुनाव हरियाणा में हुआ वहां जाट नॉन जाट इसे भी मुद्दा बना हर बार। और जब भी जाट नॉन जाट का इशू हरियाणा में बना तो ऐसा माना गया कि बीजेपी को फायदा उसमें मिला। इस बार भी ये मुद्दा था, लेकिन जो एग्जिट पोल यहां पर जो दिखा रहा है, जिस तरह की प्रोजेक्शन, सीधे सीधे कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है और सामने विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से इस बार बीजेपी का जाट गैर जाट करने का हथकंडा उस हिसाब से नहीं चला जैसे पिछले चुनाव में चलता है। और मुझे लगता है जो वोट प्रतिशत है, अभी यशवंत जी ने जो उसकी व्याख्या की उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में और भी ज्यादा नुकसान होगा। जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है, नुकसान तो है ही, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है नुकसान। पहले तो 100% इनका आंकड़ा था, तो नुकसान तो होगा लेकिन और ज्यादा नुकसान बढ़ सकता है।
इसमें एक बात जोड़ दूं कि यशवंत जो बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हुआ जो एग्जिट पोल यशवंत जी ने तो उस दिन करते हैं जिस दिन वोट डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शायद 4 महीने पहले कर लिया था एग्जिट पोल, तभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बदल दिया वहां पर, कि कितना मुश्किल हो रहा है, कितना खतरा हो रहा है। और जो नंबर आपने दिया ना, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया का जो मैक्सिमम नंबर है वो उस तरफ जाएगा, और बीजेपी का मिनिमम नंबर है, यदि वहां पर भी वो सस्टेन कर ले तो मतलब ठीक ठाक लगेगा मुझे। दिमाग क्या 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 कहेंगे दिमाग दिमाग आप क्या कहेंगे? हरियाणा का जो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, कांग्रेस को बढ़त दिख रही है साफ तौर पर, अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें। पर देखिए, इसमें काफी मार्जिन छोड़ा यशवंत ने, यानी ये आंकड़ा 7-3 भी हो सकता है। कह रहे हैं सिर्फ तीन ही सीटें ऐसी हैं जो पक्की हैं, तो काफी जब आप मार्जिन छोड़ देते हैं यशवंत, तो इतना अनुभव है इनको कि ये बहुत चीजें और भी समझा सकते हैं, वो मैं देख रहा हूँ इसमें। नहीं, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, और मैंने तो आगे वाला भी बता दिया कि इसके बाद यहाँ से जो ट्रैकर शुरू होंगे, मैं कह रहा हूँ आगे, और मैंने तो आगे तक का समझा दिया अब। लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्र जो है वो क्योंकि तस्वीर बाकी है, नहीं झांकी है ये अभी, तस्वीर तो बहुत कुछ बाकी है हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि उस तस्वीर में ये भी देखना होगा कि जो 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 सहृदयता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी दिख रही है वो आने वाले विधानसभा चुनाव तक बनी रहती कि नहीं बनी रहती, ये भी एक देखना होगा। और दूसरी चीज, किसान एजिटेशन का बड़ा वहां पर बहुत बहुत ज्यादा असर था, और वो वहां से शुरू भी हुआ। जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति में दस्तक दी थी तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की एक अभूतपूर्व सफलता थी, बहुत जबरदस्त सफलता थी। अब हरियाणा में जो गिरावट हुई है भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में, ये भाजपा के लिए बहुत चिंतित करने वाली बात है। आपकी लोकसभा में भी गिरावट है, जैसे यशवंत जी कह रहे हैं कि विधानसभा में भी उसका असर पड़ेगा, तो ये गिरावट जो है इसके बारे में, लेकिन ये कतई, एक बात मैं बताऊं, ये कतई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से हमारे सारे सर्वेक्षणों में देश की जो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर राज्य सरकारें हैं उनमें से हमेशा हरियाणा का नाम आता ही था। मुझे ब्रेक के लिए रुकना, लेकिन उससे पहले मैं चलूंगा सुरेंद्र राजपूत साहब के पास। सुरेंद्र जी, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझे ब्रेक के लिए भी जाना है, कि आप कुछ बड़ी देर से क्योंकि कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, शायद आपने म्यूट किया है अपना ऑडियो, आपका ऑडियो हम सुन नहीं पा रहे हैं, इसको अनम्यूट कीजिए। सर, मैं ये कह रहा था कि यशवंत भाई से मैं बड़ी मेरी गुजारिश है कि हरियाणा में ये जो है किलो में मापते हैं और बंगाल में लोग लीटर में मापते हैं, 1% पे 8 सीटें हटा देते हैं और हमारी 2% ज्यादा है, उसमें भी 4-6 करते रहिए यशवंत भाई, 4 तारीख को हम कम से कम 10 में से 8 सीटें जीत रहे हैं। राजपूत साहब, ये किलो और लीटर वाला जो आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है, ये सच में हैट्स ऑफ।